जब भी हम घर पे कोई भी मिठाई बनाने की सोचते हैं तो ये काम बहुत ही हमें झंझट का लगता है और टाइम भी लगता है, और साथ साथ में ये टेस्टी भी नहीं बनता। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बिना कोई झंझट के ये बनकर तैयार हो जाएगा और टेस्टी तो ये बहुत ही ज्यादा बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, द टेस्टी इंडियन फूड में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बेसन और नारियल की स्पेशल मिठाई। बनाना इसे बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, घी हल्का सा गर्म हो गया। यहाँ पर ग्रेट किए हुए नारियल डाल देते हैं और फ्लेम को मैंने लो किया है, हल्का सा इसे हम भून लेंगे। बस इसका कलर हमें हल्का चेंज करना है। तो अगर आपको नारियल को ग्रेट करने में ज्यादा झंझट लगता है तो इसका टिप मैंने दिया है, उसके लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये नारियल जो है अच्छी तरह से भून गया है, गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर मैंने नारियल को एक अलग से बर्तन में निकाल लिए, इसे साइड में रख देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कप बेसन लिया है और गर्म दूध लिया है और घी भी लिया है। घी आप देख सकते हैं मेरा मेल्टेड घी है, घी को हम गर्म दूध में मिलाएंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच घी हम यहाँ पर मिला देंगे और अच्छी तरह से दूध में इसे मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे मिला लिया है दूध में घी को। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें ये करना है कि थोड़ा थोड़ा इस दूध को लेकर हमें बेसन में मिलाना है, इस तरह से इसे मिलाते जाना है। तो इसका टेक्सचर बिल्कुल एकदम क्रम्बल जैसा हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह से चेंज हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है, तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने ये जो आटा हम जिसे छानते हैं वो वाला लिया है छन्नी, और इस छन्नी में इसे डालकर हाथों से इस तरह से हम इसे रगड़ते हुए, हाथों या चम्मच से हम इसे रगड़ते हुए इस तरह से रगड़ेंगे तो नीचे में आप देखिएगा बेसन इस तरह से एकदम दरदरा निकलेगा। और ये जो छन्नी में भी जो बेसन बचे हुए इसे भी हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हमें इस्तेमाल करना है। तो कढ़ाई मैंने रख दिया, इसमें हम डाल देंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी डाल दिए हैं और घी को इस तरह से हम फैला देते हैं कढ़ाई में, ताकि बेसन इसमें जाके चिपके ना। अब इस बेसन को हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने स्ट्रेन की थी, जो थाली में थी। तो हल्का सा इसे हम भून लेते हैं, बस 3 से 4 मिनट बाद हमने इस बेसन को भी हमें इसमें डाल देना है। इस प्रोसेस को करना बहुत ही जरूरी है, इससे ये जो मिठाई है बहुत ही दरदरा बनेगा और मुँह में आके एकदम दरदरा ऐसा इसके दानेदार आएंगे। तो यहाँ पर हमें इसे हल्का सा भून लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो हमने हमें हमने नारियल भून के रखा था उसे भी डाल देना है, और अच्छी तरह से इन दोनों को हमें थोड़ी देर और भून लेना है। तो फ्लेम को मैंने लो किया है, अभी से ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे क्योंकि नारियल भूना हुआ ही था। फिर से हम यहाँ पर 2 चम्मच 1.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है, मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरह से और हम 3 से 4 मिनट इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में फ्लेम को लो करके कंडेंस मिल्क डाल देंगे। तो ये मैंने घर पे ही बनाई है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 5 मिनट ही हम इसे लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद ही आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर पूरा चेंज हो गया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो ये मिक्सचर जो है मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने एक स्टील की थाली ली है, इसे मैंने घी से ग्रीस कर दिया है, आप देख सकते हैं ये गड्ढे वाला है, इसमें हम सारे मिक्सचर को डाल देते हैं। तो अभी ये मिक्सचर जो है गर्म ही है, गर्म मिक्सचर को ही आप प्लेट में इस तरह से डालें सेट होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से डाल दिया, इसे हम प्लेन कर देते हैं। और स्पैचुला के बैक एंड में मैंने हल्का सा घी लगा दिया, उसे इस तरह से हम इसे एकदम लेवल, एकदम यानी कि एकदम प्लेन कर देंगे। और इसके ऊपर से मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद हम कुछ पिस्ता भी यहाँ पर ऊपर में डाल देंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और इस तरह से हम बैक साइड से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसे हमें 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है, तो इसे हम रख देते हैं 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 2 घंटे के बाद ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है, इसे हम काट लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है, अच्छी तरह से कट भी रही है, तो इसे हम पीसेस में काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे चौकोर शेप में काटूंगी, आप अपने मनपसंद शेप में इसे काट सकते हैं, यानी कि बर्फी शेप में भी काट सकते हैं, जो आपको पसंद है उस शेप में आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर सारी मिठाइयाँ जो है मैंने इस तरह से काट कर रख ली है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से चाकू की मदद से एक जो हम निकालेंगे तो वो थोड़ी सी खराब होगी, उसके बाद जब स्पेस बन जाएगा तो ये अच्छी तरह से निकलने लगेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मिठाई जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है और अच्छी तरह से निकल भी रही है। इस तरह से पीसेस को हम चाकू की मदद से स्मूथ कर लेते हैं ताकि देखने में ये और भी ज़्यादा अच्छी लगे। तो इस तरह से मैंने बेसन और नारियल की ये स्पेशल मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक मिठाई उठाकर दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर आप देखिए बहुत ही दानेदार ये बना है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। और इस तरह से जो बाकी के जो बचे हुए पोर्शन थे उससे हम लड्डू बना लेते हैं। तो सारी मिठाइयाँ जो है मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली है। तो मैंने तो यहाँ पर बेसन और नारियल की ये स्पेशल मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो आप भी इसे जल्दी से घर पे जरूर से बनाएं और कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।